नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिनभर की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम की। भोपाल से फिलहाल ये जानकारी कि एमपी में बारिश पर ब्रेक लगा रहेगा। मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। प्रदेश में अभी तक 903 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। 21 तारीख के बाद एक बार फिर से बारिश शुरू हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई, बहुत बड़ी जानकारी इसलिए भी क्योंकि लगातार बारिश के चलते तरबतर है मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे जिले जो कि बारिश की मार पहले से ही झेल रहे हैं। बहुत जरूरी थी ये खबर और अब ये जानकारी लग रही है कि प्रदेश में अभी तक जितनी बारिश हुई है वो पर्याप्त है। सिंचाई के मद्देनजर भी आगे जितनी भी परेशानियां लोग झेल रहे थे उनमें कहीं ना कहीं राहत मिली के आसार। उज्जैन, इंदौर, मुरैना, ग्वालियर चंबल संभाग, तमाम ऐसे इलाके जो कि अब लगातार तरबतर बारिश को फेस कर रहे थे उनके लिए राहत भरी खबर, और राहत भरी खबर किसानों के लिए भी क्योंकि पर्याप्त बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर खंडवा से है। इंदिरा सागर बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और दूसरी बार इसका रिकॉर्ड भी बनाया गया। 13,000 क्यूसेक पानी के निकास को रोका गया। इससे पहले 38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और उसी दौरान पहला रिकॉर्ड बना था। उस दौरान की भी ये तस्वीरें आप देखिए जब इंदिरा सागर बांध को दूसरी बार जल निकासी के लिए खोला गया। एक बार फिर से एक बड़ा रिकॉर्ड, 13,000 क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ा जाना अपने आप में रिकॉर्ड बनाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जल प्रहार की तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे और इंदिरा सागर बांध का इस बीच रिकॉर्ड बनाना मध्य प्रदेश के लिए भी गौरवान्वित करने वाला विषय। लेकिन आने वाले समय में अभी कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो कि उफान पर हैं। इस ओर भी अगली खबर इशारा करती हुई खंडवा से बड़ी खबर हम आपको बताएं। नर्मदा नदी का उफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तबाही का मंजर एक बार फिर से नजर आया है। खासकर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर सहित डाउन स्ट्रीम में बड़े नुकसान की आशंका। लोगों ने प्रशासन की लापरवाही को इसके पीछे एक बड़ी वजह बताया। कहा है कि पहले बांधों से पानी छोड़ा जाता है, जलस्तर मेंटेन नहीं होता है और कृत्रिम बाढ़ लाई जाती है। लोगों ने यह भी कहा कि बाढ़ प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही के चलते हम बेघर हो गए हैं। रहवासियों और दुकानदार परिवारों का भी नुकसान हुआ है। 21 सितंबर को ओंकारेश्वर बंद की चेतावनी दी गई है। घर से बेघर हो चुके लोग, अपने सामान को ढूंढ रहे हैं। लोगों को सूचना नहीं दी गई जिससे लोग संभल नहीं पाए। वैसे भी लोगों ने एक दूसरे की मदद से बहुत कुछ संभाल लिया, फिर भी समय कम होने की वजह से संभाल नहीं पाए और बहुत कुछ नुकसान हुआ है। लोग लगभग बेघर हो गए, लोगों घर दुकानें सब चली गई है। नगर परिषद के अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा लगातार जनता को बताया जाता रहा कि लेवल बढ़ने वाला है। चूँकि हमारा ओंकारेश्वर डैम के जस्ट नीचे है तो हम लोगों को थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। जो प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से कोई भी अच्छी बात है, कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ लोगों के घरों के सामान या दुकानें जो बनाई थी उसमें नुकसान हुआ है, तो हमने हमारी राजस्व की टीम भी सर्वे के लिए तैयार है। अभी पहली प्राथमिकता ये है कि जिन लोगों के पास खाने वाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको मंदिर प्रशासन और हमारे नगर परिषद प्रशासन की तरफ से भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और निरंतर स्थिति में सुधार हो गया है। तो आपने सुना कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ स्थिति है। नर्मदा की अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो यहां पर बाढ़ आने के चलते कई घर तहस नहस हो चुके हैं। खरगोन में मुख्य तौर पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। मुआवजे की मांग लगातार की जा रही है लेकिन इसे लेकर चक्का जाम भी किया गया। आक्रोशित लोगों ने मंडलेश्वर में 3 अलग अलग मार्गों को जाम किया। इस दौरान आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया, सैकड़ों वाहन फंस गए। लोगों का यह भी कहना है कि खाने पीने के सामान सहित घर का पूरा सामान बाढ़ के पानी में बह चुका है। बच्चे भूखे हैं, लोग यहाँ पर भूखे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली। और अगले जिले में यानी कि बड़वानी में आपको लिए चलेंगे। डूब प्रभावितों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन यहां पर भी किया है। डूब प्रभावितों की यह मांग है कि राहत उन्हें समय से दी जानी चाहिए जो अभी तक नहीं मिली है। मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। प्लॉट और मकान बनाने की राशि देकर दूसरे स्थान पर पुनर्विस्थापित किए जाने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। मामले में अपर कलेक्टर के मालवीय ने बताया कि कलेक्टर खुद और उनके द्वारा बनाई गई टीम लगातार डूब क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। दौरा अगर वो कर रहे हैं, प्रशासनिक गमला अगर ये कह रहा है तो जमीनी स्तर पर मदद क्यों मुहैया नहीं कराई जाती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। जनहानि नहीं हुई है ये उन्होंने बताया कि पशुधन हानि और फसलों के नुकसान का आकलन भी हम कर रहे हैं। मृतकों को RBC के तहत 4 लाख की राहत राशि भी दी जाएगी।
में आप देख रहे हैं किस तरह से न सिर्फ खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अन्य जिलों के लिए भी इसी तरह के हालात हैं और लगातार यही स्थिति बनी हुई है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह भी जहां पर गंभीर घटनाएं हुई हैं, ना सिर्फ जान माल का नुकसान बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी जो कि अब कहीं ना कहीं काबू से बाहर होती जा रही हैं। सूरजपुर की एक खबर आपके साथ हम साझा करें। विश्रामपुर थाना इलाके की रिहंद नदी जहां पर 12 साल का एक छात्र नहाने के दौरान डूब गया। गोताखोर वहां पर पहुंचे, उनकी मदद से बच्चे का शव फिलहाल बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा आयुष अपने दोस्तों के साथ रिहंद नदी में नहाने के लिए उतरा था। गहरा पानी था, काफी तेज बहाव था और उसी के चलते ये व्यक्ति, ये बच्चा यहां पर डूब गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। रेलवे ने 24 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और इसी के चलते एक बार फिर से रद्द होने की जानकारी ट्रेनों के सामने आती हुई। 5 ऐसी ट्रेनें हैं दूसरे रूट से डाइवर्ट होकर इन्हें चलाया जाएगा। असुविधा के लिए खेद जाहिर किया है रेलवे ने, लेकिन ये खेद पहले भी जारी हो जाना चाहिए था क्योंकि शेड्यूल में बहुत लंबे समय से बदलाव की स्थिति आप देख रहे होंगे। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के लिए एक बार फिर से कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि छत्तीसगढ़ में ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, डायवर्जन के साथ ट्रेनों को चलाया जाता है, लेकिन कनेक्टिंग के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन लोगों के पास नहीं होता है। रेल यात्री मुसीबतों का सामना। तो आप देखिए स्थिति छत्तीसगढ़ में, रेल यात्री लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक बार फिर से कुछ ट्रेनों के रद्द होने की सूचना जारी होती है, रेलवे की तरफ से नया शेड्यूल जारी होता है। ये बताया जाता है कि इंटरलॉकिंग वर्क होना है और उसी के चलते 5 ट्रेनें दूसरे रूट से चलाई जाएंगी, लेकिन निर्धारित जो रास्ता है ट्रेनों का, वहां पर जो यात्री इन ट्रेनों का इंतजार करते हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 24 ट्रेनें सितलेवार रद्द रहेंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि ये राजनीतिक मुद्दा भी प्रदेश में बना और अब चूंकि चुनावी साल है तो उसे बुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन जो कम नहीं हो रही हैं वो है मुसीबत। रेल यात्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई, कुछ और ट्रेनें जो कि डाइवर्ट की गई हैं, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और ट्रेनों को कैंसिल किया जाए, लेकिन अभी तक राहत भरी कोई खबर सामने नहीं आई, ना ही कोई वैकल्पिक ट्रेन चलाई जाती है, ना ही इस मामले को लेकर किसी तरह का संज्ञान रेलवे ने या उनके अधिकारियों ने बड़े स्तर पर नहीं लिया। लगातार रेल को सहारा मानने वाले छत्तीसगढ़ के रेल यात्री मुसीबतों का सामना करते हुए, सड़क मार्ग के जरिए अगर जाते हैं तो काफी समय लग जाता है और बड़ी बात यह है कि अभी यह क्रम शुरू नहीं हुआ है। पीछे 1 साल में अगर आप मुड़के देखेंगे लगातार यही सिलसिला, खासकर छत्तीसगढ़ के। और अगली बड़ी खबर कोंडा गांव से है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के 26 बच्चे बीमार पाए गए हैं। छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी छात्रों को सिरदर्द और बुखार की शिकायत, दर्द की शिकायत होने पर फौरन चेकअप के लिए लाए गए, लेकिन चूंकि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, 26 बच्चे बीमार हैं, इसलिए गंभीर स्थिति। जिला अस्पताल में डॉक्टर हैं जो कि बच्चों का इलाज कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जा सके कि किस वजह से ये परेशानी बच्चों में आई। मानसूनी सीजन, लगातार बीमारियां बढ़ती हुई, इसलिए कोंडागांव की स्थिति बहुत जरूरी कि पहले से भांप ली जाए। 26 बच्चे बीमार हैं छात्रावास के, किस वजह से ऐसा हुआ ये स्पष्ट नहीं होता। और इसी सिलसिले में जिक्र जबलपुर का भी कर लेते हैं। छात्रावास में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए कुछ बच्चे। छात्रावास में फूड पॉइजनिंग के चलते ही हड़कंप की हालात भी, क्योंकि पहले संज्ञान नहीं लिया जाता। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जहां छात्रावास में फूड पॉइजनिंग की खबर आई, 50 छात्र छात्राएं बीमार हैं, खाना खाने के चलते ऐसा हुआ है। छात्र छात्राओं को उल्टियां हुई, छात्रों को विक्टोरिया अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है, लेकिन अभी तक इस पर जवाबदेही प्रबंधन की तरफ से सामने नहीं आई। खाना खाने के चलते ऐसा हुआ, ये अनियमितताएं पहले भी रही, लेकिन जांच ना होना इसका एक मुख्य कारण। 50 के करीब बच्चे हैं जो बीमार हैं, उल्टियों के शिकार हैं, खाना खाने के चलते एक बार फिर से परेशान।
और अगली खबर राजधानी भोपाल से है। 1,30,00,000 की बियर नष्ट की जा चुकी है। 78,000 बियर की बोतलों को नष्ट किया गया। बियर की बोतलों पर रोलर चलाया गया। तस्वीरें मौके की हम आपको दिखा रहे हैं। 15 दिन के अंदर बियर नष्ट करने की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में। अक्सर इस तरह की तस्वीरें वायरल होती हैं। एक बार फिर से यही तस्वीरें सामने आई हैं। ये वो शराब होती है जो कि अलग अलग कार्रवाई में आबकारी विभाग की तरफ से जब्त की जाती है। जब्ती के बाद इसी तरह से प्रशासनिक निगरानी में इसे नष्ट करना होता है। और अब सीधी से एक बड़ी खबर है। एसडीएम की गाड़ी पलट गई है। सिहावल एसडीएम की गाड़ी पलटी है। एसडीएम एसपी मिश्रा को लेकर यह जानकारी। उनका वाहन चालक भी गंभीर रूप से घायल है। हटवा खास के रेही नदी में वाहन पलटा है। सिहावल से सीधी की ओर एसडीएम जा रहे थे। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मदद उनकी करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए। वाहन के अंदर एसडीएम फंसे हुए जैसे ही देखे गए, फौरन ग्रामीणों ने मदद से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। चालक को भी उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया। एसडीएम खुद गाड़ी चला रहे थे और सूत्रों की अगर माने तो एसडीएम ने शराब का सेवन भी कर रखा था। इस घटना की भनक लगते ही जिला प्रशासन अलर्ट है। निजी नर्सिंग होम में एसडीएम का उपचार फिलहाल चल रहा है। कमरजी थाना क्षेत्र के हटवा खास रही की ये पूरी जानकारी। तो ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरह से शराब के सेवन के होने की जानकारी सामने आई। हालांकि ये देखने वाली बात कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और निष्कर्ष क्या निकलता है। बहरहाल एक अगली खबर की ओर हम आगे बढ़ते हुए, चश्मे के नाम पर, बीड़ी के नाम पर, साइड देने के नाम पर, उधारी के नाम पर और ना जाने ऐसी कितनी ही सामान्य वजहों से छत्तीसगढ़ में चाकू चलना आम बात हो गई है। बात बात पर हत्या मानो ट्रेडिशन होता जा रहा है, लेकिन असल आक्रोश और शर्मिंदगी आपको तब होगी जब यह पता चलेगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर किसी को इतना बेदम पीटा जाए कि उसकी मौत हो जाए। क्या वाकई आपको लगता है कि कानून का इकबाल बुलंद है या कानून के रखवाले नेताओं की रखवाली में चूर हो रहे हैं? ऐसे हालात में क्या यह सवाल आपको परेशान नहीं करता? यह मलकीत का मर्डर नहीं बल्कि कानून की सरेआम हत्या है। देखिए, 15 सितंबर की रात को 8-9 लड़कों ने बहुत बेरहमी से मारा उसको, ठीक है। ये ITI ग्राउंड के पास 7:30-8 बजे की बात है। बहुत बड़ा टाइम नहीं था सर, 7:30-8 बजे बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। 8 लड़कों ने एक निहत्ते लड़के को इतनी बेबसी से मारा है, उसके ऊपर नाचे, उसके हथेड़िया, रिप्स, आप उसकी हिप बोन, चेस्ट और इसका ब्रेक ये फ्रैक्चर हो गया सर। इतनी निर्ममता से मार के उसका वीडियो बनाया गया। एक बहन का गुस्सा, दर्द है ये। दरिंदों ने इसके भाई मलकीत की हत्या कैसे की? जब ये बताती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तालिबानी जुल्म की याद आती है। मलकीत सिंह की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई? बताया जा रहा है कि मलकीत सिंह अपने दोस्त के साथ मोबाइल पर फिल्म गदर 2 का सीन देख रहा था, जिसमें सरदार का रोल कर रहे सनी देओल पठान को मारते हैं। मलकीत सिंह ने इस पर खुशी जाहिर की। इस बात पर पास ही मौजूद आरोपियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अब मलकीत का परिवार इंसाफ मांग रहा है। परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं। बीजेपी और सिख समाज के लोग भी मलकीत के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। मलकीत की बहन दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही हैं। हमारी बस यही मांग है कि उस जो दोषी है उनको फांसी की सजा दो। सर हम यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए थे। शुभम शर्मा जो इन नेताओं का चमचा है, ठीक है, उनका नाम नहीं लिखा गया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो इस सत्ता का खास आदमी का बंदा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से हम यही उम्मीद करते थे। हम 2-3 दिन से अपनी मांगे रखे कि मेरी भाभी, मेरा भाई चला गया, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए, दोषियों को फांसी दी जाए और उसे कुछ सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। 2 छोटे बच्चे हैं, एक LKG में है, एक Class 1 में है। आप बताइए ये 2 बच्चों का। मलकीत सिंह हत्याकांड के विरोध में सिख पंचायत ने भिलाई और दुर्ग बंद बुलाया। बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को अपना समर्थन दिया। प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को 50,00,000 मुआवजे की मांग की जा रही है। प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बीजेपी उठा रही है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पाक मुर्दाबाद बोलने पर प्रदेश में हत्या की जा रही है। इतिहास में पहली बार कोई गांव में 100 दिन से ज्यादा धारा 144 लगाए भर पड़े रही से ये भूपेश बघेल के सरकार। अभी कल भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कही तो एक सरदार लड़का मलकीत सिंह बोला इतना मारीन मार मार के जमीन में गिराइन और ओकर ऊपर खड़ा होके कूद कूद के वो लड़का के ऊपर वो अपराधी मन नाचे है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराध होते। प्रदेश सरकार मलकीत सिंह हत्याकांड पर घिरती नजर आ रही है। कानून व्यवस्था पर जनता तो सवाल उठा ही रही है। बीजेपी ने तो सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। सीएम भूपेश बघेल का इस पर बयान आया है। उन्होंने बीजेपी पर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। ये इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई दुर्भाग्यजनक है और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं। उसके बाद भी राजनीति कर रही है तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। सर इसी में जो तीनों गुट हैं वो भी पहुंच रहे हैं। सरोज पांडे अलग पहुंच रही है, प्रेम प्रकाश पांडे अलग और वो अलग जो है अब स्वार्थ के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। नेता थे तो कभी एक दूसरे के चेहरे देखना पसंद नहीं करते। मलकीत हत्याकांड ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश में कानून के राज का दावा करते हैं लेकिन लगातार बढ़ती हत्याओं चाकूबाजी जैसी घटनाओं को देखकर ये दावे झूठे लगते हैं। मलकीत के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। बीजेपी और सिख समाज उनके साथ है। अब देखना है कि प्रदेश सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे श्योपुर से अगली बड़ी खबर की। कोनो नेशनल पार्क में 2 और चीते रिलीज किए जाने हैं। क्वारंटाइन बोमा से बड़े बड़े बाड़े में इन्हें रिलीज किया जाना जिन्हें लगातार सिलसिले में हम देख भी रहे हैं। अग्नि और वायु नाम के 2 चीतों को अब रिलीज किया जाएगा। 27 जून को दोनों चीतों को क्वारंटाइन किया गया था। 11 चीते अभी भी क्वारंटाइन बोमा में भी है और कुछ चीतों को धीरे धीरे रिलीज करके देखा जा रहा है कि क्या वातावरण के अनुकूल इन्हें सर्वाइवल के लिए रखा जा सकता है। इससे पहले कुछ चीतों को रखा गया, कुछ की मौत भी हुई, कुछ प्रवासी क्षेत्रों की ओर भी भागे और इसी के चलते वन विभाग लगातार निगरानी बनाए। और बलरामपुर के पुलिस लाइन इलाके में देर रात गहरे कुएं में गाय गिर गई। रात का वक्त होने के चलते लोगों को पता नहीं चला कि कुएं में गाय गिरी हुई है। गाय जब देर रात तक गौशाला नहीं पहुंची तो गाय के मालिक ने गाय की तलाश शुरू की। खोजते खोजते मालिक कुएं तक जा पहुंचा, स्थानीय लोगों की मदद ली और गाय को कुएं से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। दोनों पैर के बीच में कर ले, गर्दन में मत कर ले। और रायपुर में चल रही G20 की बैठक का आज समापन होने वाला है। आपको ये भी बताएं कि रायपुर में 2 दिनों से G20 की फ्रेमवर्क कार्य समूह की बैठक चल रही है, इसी का आज समापन होना है। बैठक में ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील समेत 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक मजबूती, संतुलित और समावेशी विकास पर चर्चा चल रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।